वेलकम स्टूडेंट टू आवर चैनल यू आर साइंस जेम्स। आज हम लोग इंजीनियर मैकेनिक्स का जो टॉपिक है हमारा लेमिस थ्योरम, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि लेमिस थ्योरम क्या होता है और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग सब कुछ साथ साथ देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए लेमिस थ्योरम, इसका तो स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्सेज इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू, ठीक है। देखिए इसमें करना क्या है, लेमिस थ्योरम जो है बेसिकली तीन फोर्स पे काम करता है, ठीक है। तीन फोर्स पे, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो है लेमिस थ्योरम मतलब थ्री फोर्स जो है वो काम कर रहा है और उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर इनवार्ड है तो इनवार्ड की तरफ रहना चाहिए, अगर आउटवार्ड है तो आउटवार्ड की तरफ रहना चाहिए तीनों फोर्स, समझ गए। देखिए मान लीजिए कि एक ये फोर्स है, ये आउटवार्ड की तरफ है, फिर यहाँ से एक ये फोर्स, ये आउटवार्ड है, फिर ये तीसरा फोर्स, ये भी आउटवार्ड है। इसका जो डायरेक्शन जो है ये सब इनवार्ड है तो इनवार्ड रहना चाहिए और आउटवार्ड है तो आउटवार्ड रहना चाहिए, एक ही डायरेक्शन रहना चाहिए हर फोर्स का, ठीक है। पॉइंट की तरफ अगर आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे इनवार्ड और पॉइंट से दूर जाएगा तो उसको हम लोग आउटवार्ड कहेंगे। देखिए जैसे ये पॉइंट से दूर फोर्स लग रहा है इसको हम लोग आउटवार्ड कहेंगे, ठीक है, समझ रहे। अब देखिए इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं, मान लीजिए कि ये फोर्स हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो ए के जो सामने जो एंगल बना है उसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा एंगल, ठीक है, और बी के जो सामने एंगल बना है इसको मान लेते हैं बीटा, और सी के जो सामने एंगल बना है इसको मान लेते हैं गामा, ठीक है। इतना तक समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए इसका जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जो यहाँ पर स्टेटमेंट है इसमें जो कहा गया था उसके अनुसार से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग तैयार कर सकते हैं। इसमें करा है इफ थ्री फोर्सेज कोप्लेनर एक्टिंग एट ए पॉइंट, मतलब देखिए यहाँ पर तीन फोर्स है और ये एक ही प्लेन पर है, ठीक है। कोप्लेनर रहना चाहिए मतलब एक ही प्लेन पर रहना चाहिए, अलग अलग प्लेन पर रहेगा तो वो उस पर लेमिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, समझ गए। तो देखिए और ये क्या है, पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है, देन ईच फोर्सेज इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज, मतलब इसका जो ये जो फोर्स होगा ये इसके सामने वाला एंगल ये अल्फा है तो इसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल होगा, यही इसका जो है थ्योरी कह रहा है। और इसको हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में अभी इसको प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोग के सामने। देखिए तो कह रहा है पहले ले लेते हैं ए, हम लोग ये ले लेते हैं, तो इसका सामने वाला एंगल अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू बी, बी के सामने कौन सा है बीटा, बी के सामने है बीटा तो साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। और सी के सामने क्या है गामा, तो ये हो जाएगा साइन गामा, ठीक है। ये हो गया हमारा लेमिस थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम लोग यही जो हमारा फॉर्मूला है इसके मदद से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये काफ़ी मदद करेगा हम लोग को, ठीक है। स्टूडेंट्स अब देखिए लेमिस थ्योरम का कंडीशन होता है कुछ, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन होते हैं लेमिस थ्योरम, अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल किया जाता है तभी इस पर हम लोग कोई भी प्रॉब्लम में लेमिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट कंडीशन जो है देयर मस्ट बी ओनली थ्री फोर्स, मतलब लेमिस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जो है तीन फोर्स होना चाहिए, ठीक है, ना ही तीन से ज़्यादा होना चाहिए और ना ही तीन से कम होना चाहिए, समझ रहे हैं। तीन ही फोर्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। और देखिए ये जो है दीज फोर्सेज आर इनवर्ड डायरेक्शन और आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये जो तीनों फोर्स है या तो इनवर्ड रहेगा, मतलब एक पॉइंट अगर है तो उसके अंदर लगेगा या फिर उस पॉइंट से बाहर लगेगा, अंदर लगेगा तो उसको हम लोग इनवर्ड डायरेक्शन कहेंगे और आउटवर्ड मतलब बाहर लगा तो उसको हम लोग आउटवर्ड डायरेक्शन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का थ्योरी पार्ट जो यहाँ पे कंप्लीट होता है, अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे उसके लिए। तो देखिए ये हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये लेमिस थ्योरम पर बेस्ट प्रॉब्लम है, इसको हम लोग करेंगे। तो देखिए इसमें पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, करा एन इलेक्ट्रिक लाइट फिक्सर वेटिंग 15 न्यूटन हैंग फ्रॉम ए पॉइंट सी, मतलब एक लाइट है हमारे पास जो कि 15 न्यूटन है इसका वेट और ये लटक रहा है नीचे की ओर, किस पॉइंट पे, पॉइंट सी पे लटक रहा है, ठीक है। द स्ट्रिंग ए सी, सॉरी ये यहाँ से बाय टू स्ट्रिंग्स ए सी एंड बी सी, मतलब ये जो जहाँ पे पॉइंट सी है वो कहाँ से ज्वाइन है, ए सी और बी सी जो दोनों का स्ट्रिंग है उसका जो पॉइंट है वो सी पे लटका हुआ है हमारा इलेक्ट्रिक लैम्प। द स्ट्रिंग ए सी इज इंक्लाइंड एट 60 टू द हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल है, सॉरी ये जो ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ए सी मतलब स्ट्रिंग ए सी जो है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और बी सी जो है ये बना रहा है वर्टिकल के साथ, ये कितना बना रहा है, ये बना रहा है 45 डिग्री का एंगल। तो इसको हम लोग सॉल्व करना है,
देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन छूट गया था तो हम लोग लिख दिए हैं, फाइंड टेंशन ए सी एंड बी सी। ये हम लोग को स्ट्रिंग ए सी जो है और बी सी है, इसमें हम लोग को टेंशन निकालना है कि कितना फोर्स इसमें लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका पहले हम लोग को सबसे पहले एफ बी डी बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम का जितना भी प्रॉब्लम बनाएंगे उसके लिए हम लोग को पहले एफ बी डी बनाना आवश्यक है, या बिना एफ बी डी के हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए एफ बी डी जो है किस पॉइंट पर लगेगा ये आप लोग को पहले पता करना पड़ेगा। देखिए एक देखिए ये पॉइंट सी है, ठीक है। यहाँ से एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है तो इसका डायरेक्शन नीचे हो गया। और देखिए ये स्ट्रिंग है तो ये उधर इधर भी तो फोर्स लगेगा, मतलब रस्सी है उसमें भी तो तनाव आता है, उसको हम लोग टेंशन कहते हैं, ठीक है। और इधर एक रस्सी है तो इधर भी ऐसे टेंशन आएगा। तो इसका देखिए डायरेक्शन जो है ये सब आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पर हम लोग लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। और इसमें तीन फोर्स है तो देखिए तीन, एक दो तीन, तीन फोर्स है, इस पर हम लोग आसानी से लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखिए अब ये कैसे बनेगा, तो एफ बी डी अब कहाँ पे किस पॉइंट पे बनाना है, सी पॉइंट का एफ बी डी होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोग को एफ बी डी ऑफ पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट सी का एफ बी डी इसीलिए बनाएं क्योंकि यही जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे तीनों फोर्स एक्ट हो रहा है, समझ गए। देखिए एक ये पॉइंट सी ले लिए, यहाँ से जो है इधर एक लग रहा है, इस टेंशन को हम लोग मान लेते हैं टी ए सी, ठीक है। और एक नीचे लग रहा है, ये हमें पता है ये कितना का लग रहा है, ये 15 न्यूटन का लग रहा है। और एक लग रहा है इधर लग रहा है, इसको मान लेते हैं टी बी सी, ठीक है। टेंशन इन स्ट्रिंग बी सी, टेंशन इन स्ट्रिंग ए सी। अब हम लोग को क्या करना है, एक तो हम लोग को मैग्नीट्यूड पता चल गया एक फोर्स का, अब हम लोग को एंगल अगर पता चल जाए इस तीनों का तो हम लोग आसानी से जो है इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मतलब जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए देखिए एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसका सहायता लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है पहले देखिए ये है 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो देखिए ये है इसके पैरेलल, समझ रहे हैं, ये इसके पैरेलल है तो यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे कितना हुआ, ये हो जाएगा 180, 180 माइनस 45, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 135 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 135 डिग्री, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग देखिए देखिए हमें एक और एंगल पता करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए यहाँ पे हम लोग जो है एक लाइन खींच देते हैं जो कि इसके पैरेलल है, मतलब ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल है देखिए यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो यहाँ भी 60 हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल से, ये 60 60 हो गया। और यहाँ पे ये 90 है तो 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। 150 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा 150 डिग्री। अब देखिए ये जो अब ये एंगल बच गया है ये कितना होगा, तो आप लोग ये आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, क्योंकि एक यहाँ पे सर्किल बन रहा है तो उसका सर्किल का कितना होगा, 360 होता है, तो इसमें से हम लोग ये दोनों को ऐड करके माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा बचा हुआ एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री। अब देखिए तीनों एंगल हम लोग को पता चल गया, अब हम लोग इस पर लेमिस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेमिस थ्योरम इस पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैं इधर पलटता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा अप्लाइंग लेमिस थ्योरम, ठीक है। लेमिस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। उसके लिए देखिए हम लोग को एक फोर्स जो है पता है, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 15 है, जो कि लैंप का वेट है, ये हम लोग को पता है। और उसके सामने का एंगल कौन सा है, सामने का एंगल है, देखिए दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये देखिए ये लैंप है हमारा, इसके सामने का एंगल है 75, और ये टी ए सी के सामने, मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग ए सी, इसके सामने का एंगल है 135 डिग्री, और टेंशन इन बी सी, इसके सामने का एंगल है 150 डिग्री, ठीक है। तो इससे हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं इसका वैल्यू, सर 15 बाय साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा टी ए सी, मतलब टेंशन इन ए सी बाय साइन 135 डिग्री प्लस टी बी सी साइन 150 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा, उसके लिए क्या करना है, ये दोनों ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसके बराबर है और ये इसके बराबर भी है, ठीक है। हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं, देखिए एक यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, उसके बाद देखिए इसको पहले लिख देते हैं, टी ए सी को पहले लिख दिए, बटा साइन 135 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 बाय साइन 75, ठीक है। अब इधर देखिए इसको पहले लिखिए टी बी सी बाय साइन 150, और ये किसके बराबर हो जाएगा 15 बाय साइन 75। ऐसा हम लोग क्यों किया, क्योंकि देखिए ये हम लोग को नॉन दिया हुआ है और ये दोनों अननोन है, तो इसको हम लोग निकालने के लिए अननोन को निकालने के लिए नॉन का यूज़ किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा टी ए सी, अब देखिए ये जो है साइन 135 डिग्री, ये इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 15 इंटू साइन 135 डिग्री बाय साइन 75 डिग्री। अब इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके बताइए। तो ये हो गया हमारा 10.98, ठीक है, इतना न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए इस साइड सॉल्व करते हैं हम लोग, इस साइड भी उसी तरह हो जाएगा, टी बी सी इज इक्वल टू 15 इंटू साइन 150 बाय साइन 75 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा आंसर, ये आ जाएगा हमारा 7.76 न्यूटन।
ठीक है। तो देखिए हम लोग को जो निकालने के लिए करा था वो हमारा निकल गया है। तो यह हो जाएगा टेंशन इन स्ट्रिंग एसी, ये कितना आया 10.98 न्यूटन, और टेंशन इन स्ट्रिंग बीसी यह हो जाएगा 7.76 न्यूटन। इसी तरह से ये हमारा प्रॉब्लम जो है कंप्लीट होता है, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों दूसरे प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए।